प्रभावित क्षेत्रों की क्या स्थिति है जहां बड़ी संख्या में पॉजिटिव निकले थे? देखिए, पूर्व में जहां से बहुत ज्यादा प्रभावित क्षेत्र से मरीज निकले थे वो जनरली आपस में जुड़े हुए कॉन्टेक्ट थे, और वर्तमान स्थिति में ऐसी कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही। वहां पे पूरी तरह से बहुत बेहतर तरीके से लॉकडाउन का प्रबंध प्रशासन द्वारा किया गया है, और उसी के परिणाम स्वरूप वहाँ से कोई बहुत बड़ी संख्या में पॉजिटिव रोगी नहीं आ रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वहाँ उन क्षेत्रों में लगातार अभी भी स्क्रीनिंग सर्वे कुछ किया जा रहा है? इनमें जो हमारे कंटेनमेंट एरिया है वहाँ पे भी, और जो कंटेनमेंट एरिया के बाहर वहाँ पे भी टीमें लगातार बढ़ाई जा रही हैं, और सक्रिय हैं टीमें चिकित्सा की टीमों के साथ में। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, शिक्षा विभाग का, महिला बाल विकास विभाग का अमला है, और साथ में प्रशासनिक और पुलिस विभाग के अधिकारी भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। सर, कल का क्या अपडेट है, कितने पेशेंट आए हैं और डेथ कितनी हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कल कुल 441 टेस्ट किए गए थे, इसमें से 91 सैंपल हमारे पॉजिटिव आए हैं और 350 निगेटिव आए हैं, और टोटल अभी तक जो सैंपल की रिपोर्टिंग है वो 7124 है, और पॉजिटिव सैंपल्स की जो संख्या हो गई है बढ़ के वो 1176 हो गई है, और जो मृत्यु है कल कोई मृत्यु रिपोर्ट नहीं हुई किसी भी चिकित्सालय से, लेकिन अभी तक टोटल इंदौर में 57 मृत्यु रिकॉर्ड की गई है। जी, अगर क्वारंटाइन हाउस में रखे गए लोगों की बात की जाए तो कितने हैं? क्वारंटाइन हाउसेस जो हैं उनमें अभी तक हमारे पास में जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो 1012 है, और जो उपचाररत हैं, और जो संस्थागत क्वारंटाइन अभी हैं वो 918 हैं। तो इस तरह से क्वारंटाइन हाउस में आज हम प्रयास कर रहे हैं कि जिनको भी 14 दिन हो गए हैं और यहाँ 14 से अधिक दिन हो गए हैं और उनकी रिपोर्ट्स प्राप्त नहीं हुई है या उनके सैंपल्स पेंडिंग है, तो उनको हम प्रायोरिटी के बेसिस पे आज उनके सैंपल हम लोग टेस्ट करवाएंगे, और प्रयास ये रहेगा कि कल उन सभी को नियमानुसार जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उनको छुट्टी दी जाए उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर। और जो निगेटिव सैंपल्स आ चुके हैं और जो भी हमारे कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे हमने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी पेशेंट को जो निगेटिव आ गए हैं, जो उपचार जिनका पूर्ण हो गया है, उनको रोका ना जाए। और बड़ी खुशी की बात ये भी है कि शायद आज जो सेम्स है श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहाँ से 15 पेशेंट हमारे डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल अगर हम बात करें सर्वे की तो कितने सर्वे हो चुके हैं संख्या के मुताबिक? देखिए, सर्वे के हिसाब से मैं ये बताना चाहूँगा कि सर्वे की टीमें हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, और आज की स्थिति में लगभग हम लोग 17 लाख के करीब की आबादी का सर्वे कर चुके हैं, और हमारी जो प्रयास ये है कि सर्वे की टीमें स्थायी रूप से उस क्षेत्र में रुकें, एक निश्चित आबादी का रिपीटेड सर्वे करें, और उसमें कोई भी सिम्टम्स आए तो उनका त्वरित उपचार करें। और इसी तरह से जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें भी हम ऐप के माध्यम से ये जानकारियाँ एकत्र करवा रहे हैं, और उसमें पूरी तरह से हमको स्पष्ट हो जाता है कि किस क्षेत्र में किसके द्वारा सर्वे किया गया है और वहाँ पे किस घर में कौन सा रोगी है, और उनको भी हम लोगों ने इस पर एक्सेस दिया है कि यदि उनको कोई सिम्टम्स आते हैं तो डायरेक्ट हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर वो फ़ोन कर सकते हैं, और वो सूचना हमारे पास सीधी दर्ज हो जाती है, और जो सर्वे की टीम है उस तक सूचना चली जाती है, और वो चिकित्सक या वो टीम उनको जाके त्वरित उपचार उपलब्ध कराती है।